इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के दौरान टीकमगढ़ की छात्रा इसराइल में फंसी हुई है। परिवार के लोगों ने अपनी बेटी को सुरक्षित घर वापस बुलाने के लिए भारत सरकार से अपील की है। स्वाति सिरोटिया इसराइल में एग्रीकल्चर MSc की पढ़ाई कर रही थी। इसराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इसराइल में रह रहे भारतीय लोग फंस कर रह गए। इसी में से एक है टीकमगढ़ की कुंडेश्वर की रहने वाली भारतीय छात्रा स्वाति सिरोटिया, जो 2020 से इसराइल में रहकर एग्रीकल्चर से MSc कर रही थी। इसी महीने में अब उनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है। इसके बाद उन्हें घर वापस आना था, लेकिन इसी बीच युद्ध की स्थिति बन गई, जिस कारण वह वहीं फंस कर रह गई। हालांकि जहां वह रह रही है वहां खाने पीने के पर्याप्त इंतजाम है, लेकिन जैसे ही सायरन बजता है सभी लोगों को बंकर में छुपाना पड़ता है। परिवार के लोगों ने भारत सरकार से अपील की है कि उनकी बेटी को घर वापस बुलाया जाए। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। सिर्फ एक एयरलाइन चल रही, मतलब डायरेक्ट वाली जो फ्लाइट है वह तो बंद है 14 तक। इसके अलावा एम्बेसी ने कछु नहीं करो, अब एम्बेसी से कोई वो नहीं है, अच्छा, कि कोई हेल्प नहीं है। इसके अलावा सिर्फ अकेले एक एयरलाइन है बाजार, इधर से आदिशाबाबा इथियोपियन एयरलाइन, और आदिशाबाबा से दिल्ली या मुंबई जो एक एयरलाइन है वहाँ भी कंफर्म नहीं है, वहाँ भी कैंसिल हो जा रही। बट जो स्पेनिश गवर्नमेंट है ना, उनने कल रात में अपने पहुंचा के प्लेन, और रात के 2 बजे जितने भी स्पेनिश बच्चे हैं सबको बुला लो, सब पहुंच गए अपने। इंडिया के कितने हैं वहाँ? अपने इंडिया के बच्चे कितने हैं बेटा? इंडिया के हमने सुनी तो, मतलब सुना तो था, अभी लगभग है, मतलब हमें श्योर नहीं है, 2-3 हजार। तुम्हारे कॉलेज में है, तुम्हारे संग पढ़े हुए वाले इंडिया के? नहीं, हमारे कैंपस में लगभग है 30-25 से 30 इंडिया के। इंडिया के? अच्छा अच्छा, काफी है। आया एक दो फोटो, बंकर की फोटो। तुम बंकर की फोटो डाल सकती हो? आ जाओ माजी। हां, बंकर की फोटो, मतलब बात जा है ना कि जो एक और लड़की भी रथ पर हम देख ले, मतलब के थोड़े से एरिया के बंकर जैसे हमारा रूम है वैसे ही रूम है। अच्छा अच्छा, कोई अलग नहीं है। सिर्फ अकेले वो की दीवार जो है ना वे अलग है, मतलब दीवार को जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग है। अरे आ जाइए भैया, बंकर है सेम, इजराइल में MSc करने गई थी 2020 में, नवंबर 2020 में एग्रीकल्चर से MSc करने गई थी। इंडिया इजराइल गवर्नमेंट से उसका सिलेक्शन हुआ था और नवंबर में गई थी वो। आज अब उसका कंप्लीट हो गया था, इस महीने में उसे वापस आना था, अक्टूबर में आना था, 30 अक्टूबर के फिर वापस आना था, लेकिन यहाँ वहाँ पर बमबारी हुई, वहाँ पर लड़ाई चल रही है, और लड़ाई के कारण वो हॉस्टल में है, लेकिन वहाँ पे बंकर में फंसी हुई है वहाँ पे। तो इंडिया गवर्नमेंट से मैं यही निवेदन करता हूँ कि मेरी बिटिया वापस घर पे बुलाई जाए, और वो थीसिस कर रही है अभी, थीसिस कंप्लीट होना चाहिए इसी महीने में उसको आना था, लेकिन अभी वो फंस गई है वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत स्थिति बहुत ख़राब हुई है, बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में हैं, अपने दिमाग में बहुत टेंशन लिए हुए हैं। कृपया करके मैं नरेंद्र मोदी से और MP गवर्नमेंट से और इंडिया से और सब यही कहूँगा कि मेरी बिटिया को वापस अपने इंडिया वापस बुलाया जाए। आपका आखिरी संपर्क आपकी बिटिया से कब हुआ, किस माध्यम से? मेरा संपर्क कल हुआ था उससे, सुबह फ़ोन से बात हुई थी, तो उसने बताया था कि पापा अभी हम वैसे सुरक्षित हैं और अलार्म बजता है, तो 1.5 मिनट पहले अलार्म बजता है तो मैं बंकर में चली जाती हूँ, नहीं तो हॉस्टल में हूँ, हॉस्टल के बाहर नहीं निकालने दे रहे हैं किसी को, और जो भी खाना पीना है वो उसी से काम चला रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।